हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक नई वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है डैश कैम के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने अभी रिसेंटली ह्यूंडई एक्सटर परचेज किया, उसमें ऑलरेडी डैश कैम आता है, बट मैंने टॉप ऑफ दी वेरिएंट नहीं लिया, इसलिए मुझे डैश कैम नहीं मिला। तो नई गाड़ी आए और डैश कैम अपनी गाड़ी में ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, कौन सा डैश कैम मैंने परचेज किया है, क्या प्राइसिंग रही, कैसे इंस्टॉलेशन होगा, क्या क्लैरिटी है, एक वीडियो सैंपल, तो वो सब कवर होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइज आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग भी प्लान कर रहे हो डैश कैम लेने का, तो अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपकी सेल स्टार्ट हो गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप ले सकते हो। अभी ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ जिससे कि मतलब आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट पे अच्छे प्राइस पे आपको डैश कैम मिल जाए। तो जो भी प्लान कर रहा है, तो अभी ये जो सेल आ रही है ना, तो उसमें आप जरूर ले लेना, इसको आपको सही प्राइस में मिल जाएगा। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं मैंने डैश कैम कौन सा लिया है। मैंने डैश कैम लिया है 70 MAI का A500S समथिंग। इसमें आपको आगे का भी पीछे का भी रिकॉर्ड करने वाला वेरिएंट भी मिल जाता है, बट मैंने खाली आगे आगे रिकॉर्ड करने वाला वेरिएंट लिया है, क्योंकि मुझे शो नहीं था कि भाई, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग आते हैं तो वो वायरिंग वगैरह कैसे होती, तो मैं वो रिस्क लेना चाहता था और एटलीस्ट मुझे आगे वाला डैश कैम लगाना ही था। तो अभी सेल चल रही थी अमेजोन से, तो मैंने अमेजोन से सेल में मंगा लिया और वो नेक्स्ट डे डिलीवर हो गया। तो ये जो मुझे सेल में पड़ा है वो था 8599 और 10% का कार्ड ऑफर था, तो आप उसमें से 850 माइनस कर लीजिए, तो लगभग 7700 समथिंग मुझे ये डैश कैम पड़ गया। इसके साथ मेमोरी कार्ड भी लिया है क्लास 10 का 128 GB सैमसंग का, तो उसकी भी कॉस्ट 750 थी, उस पर भी 10% ऑफ मिल गया, तो 70 रुपए 680 लगभग मुझे पड़ा, तो लगभग 8400 ही पड़ गया पूरा सेटअप। जो मुझे डिस्काउंट मिला उसमें मेरा मेमोरी कार्ड इसमें आ गया। पहले भी इको स्पोर्ट में जब डैश कैम लगाया था उसकी वीडियो भी बनाई थी, तो वो आई बटन में आ रही होगी, वहां जाके आप देख सकते हो। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं कि अगर आप भी कोई नई गाड़ी ले रहे हो या कोई भी गाड़ी चला रहे हो, अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम नहीं लगा तो प्लीज डैश कैम लगवा लो। डैश कैम आपको नहीं पता कब आपको जरूरत पड़ जाए, और एक ऐसी चीज है जब किसी के साथ हो जाता है कुछ, तब उसे रियलाइज होता है काश मेरे पास कोई वीडियो एविडेंस होता है या मेरे पास कोई प्रूफ होता जिससे मैं प्रूफ कर पाता कि यहां पे मेरी गलती नहीं थी। जनरली जब कोई बड़ी गाड़ी वाला होता है तो उसकी ही गलती मानी जाती है कंपेयर टू छोटी गाड़ी। अगर कोई टू व्हीलर और गाड़ी है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई मतलब किसी ने नहीं देखा है तो ये माना जाएगा कि भाई हाँ, बड़ी गाड़ी वाले ने ही कुछ किया होगा जिस वजह से ऐसा हुआ है। तो उसी चीज से बचने को आपको डैश कैम अपनी गाड़ी में लगवाना बहुत जरूरी है। डैश कैम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको लेना तो वहां जाके ले सकते हो। अब मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन क्या कुछ है वो सारी चीजें दिखाता हूँ। डैश कैम जो मैंने मंगवाया है, ये आप देखोगे तो 70 MAI का डैश कैम है, 8500S है। तो इसमें आपके दो मॉडल आते हैं, एक इसमें रियर वाला भी आता है और फ्रंट वाला भी आता है। मैंने खाली फ्रंट वाला मंगवाया क्योंकि रियर की ना वायरिंग सारी यहां से जाती, तो मतलब मैं श्योर नहीं था कि वो वायरिंग प्रॉपरली जा पाती, तो इसलिए मैंने वो नहीं मंगवाया और खाली फ्रंट वाला मंगवाया। तो इसे फटाफट से पहले मैं खोलता हूँ, देखो आपके सामने मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, इसमें पूरी पन्नी लगी हुई है जिससे कि मैं क्लियर दिखा पाऊँ कैसे इसको आपको सेटअप करना है। ये इसकी पन्नी हट गई यहाँ पे, और ये कहाँ से खुलेगा, एक तो ये शायद ऐसे ही नीचे आना चाहिए, लास्ट टाइम ऐसे ही नीचे आया था ये, क्योंकि मुझे यहीं से खुलता हुआ दिख रहा है ये, आप देखोगे यहीं पर अलग है खाली, तो इसका बॉक्स यहीं कहीं से खुलना चाहिए, और इसे थोड़ा सा और नीचे दम लगाते हैं, और ये देखो आईफोन की तरह नहीं है कि एकदम यूं करा और नीचे आ जाएगा। तो ये आपका बॉक्स हो गया। बॉक्स में क्या क्या मिलता है, ये मोस्ट प्रोबेबली मैनुअल वगैरह होगी, इसके अंदर मैनुअल है, और अच्छा ये भी मिल गया जो आपको शीशे के ऊपर चिपकाना होता है और इसी के ऊपर आपको फिक्स करना होता है, तो वो गाइडलाइन यहाँ लिखी होती है, तो ये वो चीज़ है। बाकी मैनुअल मैंने उधर फेंक दी है। ये आपका डैश कैम हो गया। इसमें क्या है, यहाँ पे स्क्रीन भी है, स्क्रीन के थ्रू आप सेटअप भी कर सकते हो, और आपको यहाँ पे दिखता भी रहेगा कि वीडियो चालू है या नहीं, और कि यहाँ पे इंडिकेशन देता है कि सब कुछ सही है या नहीं, मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, ऑफ तो नहीं हो गया, वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है वो और मैं दिखा देता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली वायर मिलेगी, ये टूल मिल जाएगा, मतलब यहाँ से ऐसे खोलने वगैरह के लिए अगर आपको चाहिए होगा ये वायर मिल जाएगा। तो मैंने वायरिंग वगैरह की वीडियो पहले भी बनाई हुई है, वो अगर आप चाहो तो आई बटन में मिल जाएगी, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे ऐसे इस पर ये लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले इस पर फिक्स कर देंगे ऐसे, और उसके ऊपर अपना फिर डैश कैम ऐसे बिठा देंगे, तो ऐसे कुछ ये आपका सेटअप होगा। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे जाके इसमें लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया ना आवाज आई जो, तो यहाँ से ये हटा, तो ये कुछ चीजें मिलती है। बाकी इसके अंदर आपको ये टूल मिल जाता है, बाकी ये चार्जर मिल ये मिल जाता है, बट पहले इसमें वो भी आता था, पावर सॉकेट भी आता था, तो पावर सॉकेट भी कहीं ना कहीं अंदर होगा। ये रहा पावर सॉकेट, मैं वही सोचा था कि पावर सॉकेट कैसे मिसिंग है। ये पावर सॉकेट है, पावर सॉकेट है जिसमें आपकी वायरिंग जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप पहले यहाँ पे फिक्स मत करो, पहले ना अपना डैश कैम चला के देख लो, अगर डैश कैम सब कुछ सही हुआ तो चल जाना चाहिए, नहीं चला तो आप रिटर्न वगैरह तो कर पाओगे। बाकी अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारा लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप ले सकते हो। देखो ये वायरिंग पूरी यहाँ पे खुल गई,
ये वायरिंग मैं लगाऊंगा यहाँ पे, बाकी इसके साथ आपको ना मेमोरी कार्ड भी चाहिए होगा। यहाँ पे देखो कैसे मैंने सारे गैजेट सजा के रख दिए कि जिससे कि मैं एक एक चीज ढूंढ पाऊँ और मतलब ढूंढने में मेहनत करनी पड़े। ये बाकी मेमोरी कार्ड रहा, मैंने 128 GB का इसमें सपोर्ट करता था, मैक्स तो सबसे मैक्स जो सपोर्ट करता है वही मैंने मंगा लिया। और ये क्लास 10 का है सैमसंग का। ये लोग पता नहीं सैंडिस वाले को क्यों मना करते हैं कि सैंडिस वाला आपको यूज नहीं करना चाहिए, मतलब उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, बट मैं पुराने वाले में सैंडिस वाला यूज कर रहा हूँ और मुझे उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं मिला। बाकी ये मेमोरी कार्ड है, ये यहाँ से ऐसे खुलेगा और ये देखो गिर गया। बाकी इसमें ना कार्ड रीडर भी आता है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे करके इसमें लगा के और आपके सिस्टम में ना ये चीज़ डायरेक्टली लग जाती है, तो इसे संभाल के रखना, फेंकने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे अभी क्या करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी अभी गाड़ी स्टार्ट कर ली है और इसमें ये पावर सॉकेट देखो आपका यहाँ पे लग जाएगा, ये आपका इसमें जाएगा और ये यहाँ पे यूं लग जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो ये पावर लाइट आ गई और ये स्क्रीन हटाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे अभी इसमें दिख जाएगा 70 mAh। ये चालू हो गया, मैं एसी बंद कर देता हूँ, नहीं तो हो सकता है वॉइस आ रही हो। यहाँ से आपको अब आ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो अपने को इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश पे हमने यस करा, ये सेट करा, इसका मतलब रिकॉर्डिंग है, स्टैंड बाय है, रेड आ रहा है तो मतलब कोई ना कोई दिक्कत है आपके में, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट करना है, प्रेस एंड होल्ड टू टर्न ऑफ बता रहा है वो आपको, ठीक है, सारी चीज़ें बता रहा है। तो मैं अभी एक बार टाइम सेट कर देता हूँ, चार टाइम देखो आप हो रहा है, आज की तारीख है 2023। ये आप QR कोड हो गया, तो इसमें आपको SD कार्ड इंसर्ट करना है, फटाफट से SD कार्ड डालते हैं इसमें, ये SD कार्ड इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हमने अभी अपना मेमोरी कार्ड लगा दिया, तो उसके बाद लगाते ही आपको बोलेगा फॉर्मेट करने को, तो ये आप फॉर्मेट करो, ये अपने आप ही सब कुछ करेगा, कोई दिक्कत वाली बात मतलब कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 70 mAh ये अपना पहले से इंस्टॉल कर रखो, ऐसे 70 mAh ऐप आपको मिल जाएगी और इसे खोल भी लेते हैं। फॉर्मेटिंग सक्सेसफुल, मोस्ट प्रोबेबली शायद ना मेरी अपडेटेड नहीं है, तो एक बार इसमें यहाँ पे मुझे जाके ना इसमें माई डिवाइसेज में जाके ऐड डिवाइस भी करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये देखो ये आपका यहाँ पे ये देखिए सारा ये चालू हो गया और ये रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो ग्रीन लाइट आ रही है ये आपकी। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें जाके वीडियो सेटिंग्स वगैरह वो सारी आप देख सकते हो। ये मैंने सारी चीज़ें पहले वाली वीडियो में बताई हुई है कैसे सब कुछ आपको सेटअप करना है, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आप जाओ, डाउनलोड ऐप वगैरह हो जाएगा कोई, डाउनलोड ऐप में जाते हैं, ये हमने स्कैन कर ली। अब उसके बाद ना इसकी सिस्टम सेटिंग्स में आपको हॉटस्पॉट ऑन करना होता है, वाईफाई हॉटस्पॉट, टर्न ऑन हॉटस्पॉट। तो जैसे ही टर्न ऑन हॉटस्पॉट करोगे आपको अपने वाईफाई में जाना है, आपको ये मिल जाएगा 70 mAh का हॉटस्पॉट बना हुआ मिल जाएगा, ये इससे कनेक्ट करना है, उसके बाद वो ऐप में अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। एक बार वेट करते हैं यहाँ पे डिटेक्ट होने का, ये आ गया, इसका पासवर्ड है, मैंने कनेक्ट किया। इस पे ना आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी 70 mAh यूज कर रहा था तो मुझे अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत पड़ी नहीं बिल्कुल भी। कि मुझे प्लस में जाना है, ये स्कैनिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस नियर बाय कर रहा है, हमें उसे करने की जरूरत नहीं है। हमें डैश कैम विद स्क्रीन में जाना है, कनेक्टिंग टू डैश कैम हॉटस्पॉट कन्फर्म, मैंने इस पे करा, आपका 70 mAh प्रो प्लस पे कनेक्ट करेगा अभी ये, तो अपने आप ही ना, वैसे अब तो जो ऐप है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेना चाहिए इसको कि कौन सा डैश कैम वगैरह है। अभी ऑप्टेनिंग IP एड्रेस ही आ रहा है इसमें, ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया, देखिए प्रोसेस कर रहा है अब। प्लीज क्लिक ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन हो गया। अब ये देखो आप, ये डैश कैम से व्यू दिखा रहा है। ये मैं अब बताऊं आपको मैं क्यों कहता हूं कि पहले आप इसे कनेक्ट कर लो। अब उसका रीजन ये है कि अब आपके पास यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले पकड़ के रखो या किसी को पकड़ा के रखो और डैश कैम आप ऐसे आप सेट कर सकते हो, मतलब वीडियो आपको दिख रही है तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो ये मैं आपको अभी सेट करूंगा तो वो मैं दिखा दूंगा, बट अब इसमें मैं दिखा देता हूं कि आप क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूं। देखो तो अब क्या है ना कि आपको अगर आप विदाउट स्क्रीन वाला भी ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब विद स्क्रीन लेना है विदाउट स्क्रीन कोई फर्क नहीं है, बस ये कि इसमें यहाँ पे आपको दिखता रहता है और आप टर्न ऑन स्क्रीन वॉइस कमांड बोलोगे तो ये करता रहता है, उसमें भी करता है बट यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखती रहती है। और बाकी तो आप सेटिंग्स ना यहाँ से कर सकते हो, देखो जैसे पावर ऑन, वाईफाई सेटिंग, यहाँ पे आपको साउंड रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड करना ही नहीं कर रहा, तो जैसे अभी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना, खाली वीडियो करना तो वो करना है। ये सिस्टम टाइम है, ठीक है, इसे मैं सिंक टाइम विद फोन करूंगा, तो यहाँ देखिए 4 अक्टूबर 2023 और अभी 6:47 हो रहे हैं, वो टाइम आपका यहाँ पे आ गया। इमरजेंसी वीडियो आपको कब रिकॉर्ड करनी है, डेट टाइम फॉर्मेट, स्पीकर वॉल्यूम, वीडियो सेटिंग्स, मतलब इसमें आप अपना फ्रेम रेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं सबसे कम वाला कर लेता हूँ जिससे कि ज़्यादा लंबे दूर तक की वीडियोस इसमें स्टोर होती रहे। आपको 70 mAh का लोगो चाहिए, हमें नहीं चाहिए, वो कर सकते हो आप। पार्किंग में ऑन चाहिए नहीं चाहिए, मतलब कि जैसे मेरी गाड़ी खड़ी है तो क्या है ना ये चार्ज होता रहता है, तो जैसी गाड़ी पे कोई इंपैक्ट लगे तो रिकॉर्ड करना नहीं करना, तो लो सेंसिटिविटी पे भी कर सकते हो कि जिससे कि
नो सर्विलेंस पार्किंग कैमरा डिटेक्टेड, इसलिए क्योंकि इसके साथ एक आपको पार्किंग केबल आती है वो कनेक्ट करना पड़ता है और वो बैटरी से कनेक्ट हो जाती है, तो वो हमने कर नहीं रखी। बाकी ADAS आपको इसमें मिल जाता है, ADAS आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ADAS में क्या है कि अगर आपकी जो लेन है उससे आप बाहर जा रहे होते हो 80 की स्पीड से बाहर, तो आपको बोलता है लेन डिपार्चर वार्निंग, आगे वाली गाड़ी चल गई तो उसके लिए आपको वार्निंग देगा, तो ये भी कैलिब्रेट करेगा। ये मैं सेटअप नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी ना उसमें सारी सेटिंग्स आपको बता रखी कैसे कैसे सेटअप करना है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे कैसे लगाना है वो देख लेते हैं और पोजीशन देखते हैं कि कैसे सब कुछ सेटअप होगा। गाइस देखो इस पे एक फिल्म होती है, सबसे पहले आपको वो उतारनी है और वो यहाँ पे आप चिपका सकते हो। तो वो मैं चिपकाने से पहले ना एक बार इसकी पोजीशन देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर हो रहा है। अब ये आपका यहाँ पे है और इसको ना आप ऐसे घुमा भी सकते हो। अब ये देखो मैंने घुमा दिया, तो मैं एक बार पोजीशन देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा बोनट पूरा कवर्ड आना चाहिए, है ना। तो एक बार इसे भी लगाते हैं क्योंकि इसमें ना आपकी स्टिक होती है, तो ये आप हटाओगे तो ये ऑलरेडी उस पर चिपक जाएगा और उसकी एक साइड पे वो खुद चिपक जाता है। तो ये मैंने इसमें फिक्स करा, एक बार अब आगे का व्यू देखते हैं। अभी मेरा बोनट तो नहीं दिख रहा है, ये मेरा, मैं आपको भी व्यू दिखा देता हूँ। तो आप देखो ये व्यू आ रहा है अभी आगे का, तो थोड़ा सा रोड पे भी चला के देख लेके इसे। मैंने ना अभी फास्ट टैग इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं ना पहले इसे फिक्स कर दूं और उसके बाद हम अपना ना फास्ट टैग लगाएं। एक बार थोड़ी खाली जगह पे भी चलते हैं, थोड़ा सा ना सेंटर ऑफ रोड करते हैं कि दोनों तरफ का अंदाजा लगे। ये हमारे सेंटर ऑफ रोड पे, तो इसमें अगर आप व्यू देखोगे ना तो देखो लेफ्ट का पूरा दिख रहा है और राइट का भी काफी हद तक दिख रहा है। एक्चुअली में इसका कैमरा ना इस तरफ होता है, तो थोड़ा सा आप इस तरफ रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा राइट की तरफ ना। तो ये पोजीशन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है और यहाँ पे फिर अपना फास्ट टैग लग जाएगा इसी के बगल में। एक बार आप क्या करो, कपड़ा वैसे भी मैंने ना एक बार साफ कर दिया था वहां पे लगाने से पहले, स्क्रीन भी और ये भी एक बार अच्छे से साफ कर दो। ये ऑलरेडी टेप पे होती है तो ये जो ऊपर से खुला है ना वो वाली तरफ ही ऊपर जाता है और इसमें ना मार्किंग बनी होती है कहाँ पे आपको ये लगाना है। तो आप ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसमें फिर आपका ये जो चीज़ है इसके ऊपर बिल्कुल उसकी पोजीशन पे फिक्स कर दिया। अब मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे सीधे ये जो डैश कैम लेना है उसके ऊपर प्लेस कर देना है और फिर बाकी मुझे इसकी वायरिंग कर देनी है। और वायरिंग वगैरह की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इसका जो भी सैंपल वगैरह है वो इस वीडियो के बाद, मतलब ये जो अभी मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस एक बार मैं आपको ना वायरिंग भी दिखा देता हूँ कैसे की। ये देखिए डैश कैम लगा है, ये यहाँ से इसकी वायर जा रही है, ये ऊपर से गई, ये यहाँ मैंने पूरी दबा दी वायरिंग, खाली यहाँ पे ओपन आई, मैंने इस रबड़ के पीछे पूरी दबा दी, फिर ये यहाँ से आई, ये पूरी वायर जा रही है, फिर नीचे से मैट के थ्रू ले जाके ये यहाँ वायर आई ओपन, और यहाँ भी टेप वेप लगा दूंगा मैं बाद में, और ये यहाँ आपका डायरेक्ट इसमें लग गया। तो कहीं भी वायरिंग ना ऐसे पूरे शीशे पे या कहीं साइड में आपको दिखेगी नहीं। डैश कैम अपना हो गया है इंस्टॉल, ये रही इसकी लोकेशन और इसमें देख रहे हो क्योंकि अभी ऐप कनेक्टेड है तो आ रहा है। मैं एक बार स्पीड भी कॉन्स्टेंट करता हूँ जिससे कि आपको दिखा पाऊँ। तो देखो ये कुछ व्यू है आगे का और क्लैरिटी जो है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं एक क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे इसके बाद, और इसमें स्पीड भी आ रही है, मतलब कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं और उसके साथ डेट टाइम भी आ रहा है। तो इसमें जो है ना GPS आपका ऑलरेडी आता है, अलग से आपको GPS मॉड्यूल खरीदने को मतलब जरूरत नहीं पड़ती, GPS ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो उस वजह से क्या है कि आपकी स्पीड लोकेशन वगैरह सब ट्रैक करता रहता है, जो कि जब भी आपको अगर कभी जरूरत पड़ी उन चीज़ों की तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो गाइज अभी जो आप वीडियो सैंपल देख रहे होगे वो देख रहे हो आप डैश कैम की वीडियो के थ्रू, जो आवाज आ रही है वो भी आपको डैश कैम में जो इसका ऑडियो रिकॉर्डर है उसके थ्रू आ रही होगी। अभी लगभग आपका सनसेट सा हो रहा है, मतलब ज्यादा अंधेरा भी नहीं है और ज्यादा उजाला भी नहीं है। ये मतलब ऐसा टाइम है जिसमें आप लाइट जलाओगे भी तो कोई फायदा नहीं, लाइट नहीं जलाओगे तो भी कोई फायदा नहीं, मतलब बिल्कुल मिड ऑफ द सिचुएशन है। तो अभी आपको जो भी बाइक्स जा रही हैं, गाड़ी जा रही है, तो मैं इसलिए इस टाइम पे ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जिससे आपको पता लगे कि थोड़ा सा जब डल है तो नंबर प्लेट रीडेबल है या नहीं है। जैसे मैं गाड़ी के थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि भाई वो नंबर प्लेट आपके लिए कितनी रीडेबल है, कितनी रीडेबल नहीं है, और मैं जब उस पर लाइट दे रहा हूँ तो कितनी ग्लो हो रही है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, उस पर जब लाइट पड़ती है तो आप देख पाओगे कि हाँ भाई कितनी क्लैरिटी है कितनी नहीं है। तो वो सब चीज़ें ये मैं अभी लाइट देता हूँ कि देखिए ये मैंने हाई बीम करी है, तो आगे वाली गाड़ी का नंबर प्लेट आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, और अब जब लाइट बंद है तो भी आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो के लिए तो था, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा जिससे आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। और डैश कैम अगर नहीं लगा है गाड़ी में तो प्लीज लगवा लो, ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपके अच्छे के लिए ही है। कभी ना कभी किसी ना किसी उसमें कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। 8-10 लाख रुपए की हम गाड़ी लेते हैं, 7-8 हजार रुपए की चीज लेना जो कि हम अपने लिए ही है, तो प्लीज उसको अपनी गाड़ी में जरूर जरूर लगवाएं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।